अच्छा बाबूजी, हम गायिका ऋतुराज अपने बनारस सारनाथ की माटी से बहुत बहुत प्रणाम करत हनी। एक बिरहा आप लोगों के बीच में, हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हमारे बड़े भैया ओपी जी के माध्यम से, ओपी म्यूजिक के सौजन्य से ही बिरहा आप लोगों के बीच में जात बा पुनः रामायण से। और एक अद्भुत कहानी, ऐसन कहानी हम ही ना कह कि आप लोग ना सुन ले हो बा, लेकिन कुछ ना कुछ एक नया चीज मन मिली सुने के। रामायण में आप लोग देखले हुई हैं, सीता हरण हुआ, रावण मारा गया, राम लंका पर विजय प्राप्त किए, तमाम प्रमाण मिलता है। लेकिन हम ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं, एक ऐसा रामायण का रहस्य खोले चलत है। रामायण में ताज का महत्व, रामायण में जो ताज था भगवान राम के पिताजी के पास, उस ताज का महत्व क्या था, हम यही बताने जा रहे हैं आप लोगों को। आशा की ना विश्वास बटे कि आप लोगों के पसंद आई। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भूमिका में भाव लिखे बाबा, कह के साथे अवध भूप दशरथ बन के शिकारी विपिन बीच आए, ख्याल मृग छाल की लाल सांग जिगर में, धनुषा पे अपने निशाना सधाए, गया ध्यान दक्षिण दिशाओं की तरफ, दिखा मृग खड़ा अपनी दुम को हिलाए, घूमते पीछे पीछे मगर ना मिला, सिया राम सम्मुख है बाली फटाए। पीछे पीछे मगर ना मिला है, सिया राम सम्मुख है बाली भेटाए। आप समझ गए लोबा की कहां की बात है, कवन बात है, कब की बात है। अब यही जगह ने एक लाइन कव्वाली लगल, कवन कव्वाली है आवा, बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे, पड़ गया सखियों का झूला रे कदम के तार के नीचे, पड़ गया सखियों का झूला रे कदम की तार के नीचे, भाव सुने बाबूजी। बिरहा में कवि जी दू लाइन भाव लिखलन, का लिखल गई, गरज के पाली है बोला भयंकर क्रोध में भूख के, क्या बात है, तो गरज कर पाली है बोला
चढ़ाई चढ़ाई क्यों किया तुमने हमारे राज में छुपके, हमारे राज में छुपके। गरज पड़ा है बाली वहां पर जवनी समय देखले भयल का बाबा। यही से कहानी हमारे बिरहा का कहानी मेन सारांश शुरू होता। आइए ध्यान से चला जाए। क्या बात है, यही से कहानी शुरू हो गई। बाबू जी गौर करेंगे, गरज पड़ा है बाली की मेरे राज में छप कराने वाला आखिरकार छप कर क्यों आए, कौन हो कहते हैं बोल पड़े। कहे अवधेश, कहे अवधेश मेरे बात को बलवान सुनो, कहे अवधेश मेरे बात को बलवान सुनो, हुई है भूल इस खता से मैं अनजान सुनो। राजा दशरथ आया तो जरूर हूं लेकिन है बाली मैं गलती से आया हूं, गलती से आ गया हूं। अब सुनो मेरी बात। क्या बोले राजा, मगर गलती की सजा जो सजा दोगे बाली मैं मानूंगा। सुनो, मगर गलती की सजा जो भी तू सुनाएगा अवध नरेश इसी वक्त पे चुकाएगा। सजा दोगे मैं मानने को तैयार हूं। बोले कहा बाली तू दे दो, याद रखना राजा मैं मांगूंगा वही देना होगा। कह रहे हो तो कहा बाली तू दे दो प्राण प्रिय रानी को, बोलो कहा बाली तू दे दो प्राण प्रिय रानी को या फिर राज मुकुट अयोध्या निशानी को। मंजूर दोनों ना तो मुझको हराना होगा, बाद बाई इज्जत अपने राज को जाना होगा। गौर करेंगे बाबूजी, बोल पड़ा बाली की बिना मेरे इजाजत का आखिरकार इस किस किंधापुर में आने वाला तुम हो कौन, कैसे चले आए मेरे इजाजत के बगैर मेरे राज में। बोल पड़े राजा दशरथ, आ तो गया हूँ लेकिन हे राजा बाली मैं गलती से तेरे राज में आ गया हूँ, और आ गया हूँ अब तू जो सजा देना चाहता है कि सजा दे दे मुझे मंजूर है, मैं उससे पूरा करने की कोशिश करूंगा। क्या सजा है तुम्हारी। बोल पड़ा बाली, मैं जो सजा दूंगा मानोगे राजा। सुनो, युद्ध करो मुझसे, अगर युद्ध में जीत जाओगे तो छोड़ दूंगा, नहीं तो अपने प्राण प्रिय रानी कैकेयी को दे दो या तो अपने सर का ताज दे दो। इन तीनों में से क्या मंजूर है तुम्हें, जो मंजूर है वो दे दो। यही बिरहा में तर्ज लग गई। सोचे लगल राजा दशरथ, कहा सोचत हुन बाबू तनी आवे टेरी से क्लाइन भाव है। अरे महाराज अपना ताज दे दिए, अरे महाराज अपना ताज दे दिए, लाज बच गई मगर कैके हुई नाराज। अरे नाराज, अरे नाराज। महाराज सोचे लगलन कि आखिरकार जब मंगते हबाली तो रानी के तो हम दे ना सकीला, जा अयोध्या में कवन मुंह दिखाई। लोग कहिए कई कई कही कहा कौशल्या पूछिए, सुमित्रा पूछिए, राज को लोग पूछिए, तो हम कहा जवाब दे। कई कई को तो मैं दे ही नहीं सकता, जो मेरी कई कई मेरे प्राण प्रिय है, और युद्ध करूंगा बाली से तो हार जाऊंगा, तो ये सेले बढ़िया है तीनों में ये ताज सर का मुकुट। उतारे राजा दशरथ और वही बाली को देने लगे। हुआ क्या बाबा, आवा अरे संग कहा में पड़ गए भूपता, कहे
हुआ उदार। अरे प्राण से ज्यादा तुझे मानते, और मगर ना है मुझ पर विश्वास। पहली वीर प्रतापी राजा, अरे आया है तेरे मन रा। अरे लहागी बाजी, अरे लहागी राज की बात बताने, लहागी राज की बात बताने। महारानी कह बरसे दे दिए, लाज बच गई मगर कह के हुई नाराज। अब यहीं से बतिये बिगड़ गई। राजा सोचे लगल, रानी के तो देबे न करब, हमरे प्राण से प्यारी है, युद्ध करब तो जीत न पाई बाली से, तो कहे न सर का ताज दे दे। ताज देहना ना, यह रानी नाराज हो गई नहीं, रानी नाराज हो गई नहीं। राजा दशरथ शंका में पड़ गई, कली की कहो सर का ताज दे देला, जो ध्यान में कवन मुंह लेके जईबा का कही सब, ताज कहां का बतईबा। कल तब कली की कहे ना, हम ही के छोड़ देला। कल अब नहीं अब बनल, क्या कह के शंका हो गया राजा दशरथ को कि बाली पर कहीं लोभाए तो ना गई लू, कह के बाली तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया। शंक हो गई, फूल का दवाई है ओपी, शंका का दवाई ना है बाबू। अब देखा भयल का आवा तर्ज बदल गई बाबा। ये बतावा एमन से जितना जाने बैठल हुआ अपनी मेहरारू का फरमाइश पूरा कैले हुआ कि ना। कबो मेला ठेला गयल हुआ लोग तो मेहरारू लईका फरमाइश कैले हुई है कि हम कई चीज ले ले आया, वो चीज ले ले आया। सब कर छोड़ा ओपी भाई, आप बताओ अपनी मेहरारू के कबू फरमाइश पूरा कैले हुआ कि ना। देखा मेहरारू का कुल बात न मानत, एक कादू उठे तो मानी जाए कि चाहिए। कहत बे का कहल सावा, गुरही जले बिया रही जले बिया बिका दिया मेलावा में, ले गरम छनात होई तेलवा में, ले गरम छनात तेलवा में। बाबू जी लेकिन बिरह के अंदर कवि जी लिखत हुन, तनी सुना भयल का। राजा के शंका हो गई कि कई के बाली पर मोहित हो गई ली। अब वो शंका के मिटावत हुन, नाराज हो गई कई के कलस के इतना बड़ा इल्जाम हमरे पे लगा देला। अरे राजा तोहके तोहरे खातिन जान देवे कोई दे, कई के जान दे दे हो, कहिया ले हमके अजमैबा। सुना ऐसन मत सोचा, सोच गई ना राजा की रानी के ठेस लग गई। अब राजा शंका मिटाओ थोन, का कहन आवा, काहे ताज देहली सुना। देहला तू ठेस, देहला तू ठेस या वधेस सुना बतिया के,
तोहके हम ना देली है ताज देली है, तोह नाराज होत हो कि ताज दे देली तो अयोध्या में कुआ सबके मुंह दिखाई, लेकिन तोहके दे दे तो हम का कोई के मुंह दिखाई। ऐसन त ना रानी मोहाई गेलू राजा सारी बतिये कहत हो। रानी कहली के राजा ऐसन कोनो बात ना है, ठेस लगल दोनों पति पत्नी अपने में तू तू मैं करत हुआ। अब राजा बताओ थुन के ताज का महत्व पहले सुना का कहलन, ध्यान दी हन बाबू आवा। जेकरे सिर पे जाला ओकर हो जाला विनाश हो, पत्नियो भाई आपस में लड़ा अनयास हो, पत्नियो भाई आपस में लड़ा अनयास हो, पड़ जाला घर में सुना कह के, पड़ जाला घर में कलेश सुना बतिया के, पड़ जाला घर में कलेश सुना बतिया के, महिमा विशेष सुना पतिया के, मुकुट के महिमा विशेष सुना पतिया के, आए रानी ओ मुकुट के महिमा बड़ा विशेष, जवन बाली के हम दे के आवा थी ओ मुकुट के महिमा बड़ी विशेष तू न जन्म। कहली अरे मुकुट के बड़ा महिमा विशेष मतलब, कहलन की बहुत ओकर महत्व तू न जनबू। ओ मुकुट में ओ राज ह जेकरे लगे रहला भाई भाई में ना पटाला, अनायास का व्यर्थ का लड़ाई होले ओ मुकुट का देन ह। एक बात और कहला, का कहला बाबा दूसरा अंतर आया बा, आए आए राजा मारी जाला राजा पाठ होला सुना, बचनिया दराद भैल दूना, सुनता बचनिया दराद भैल दूना, लगता पूछ दिन विशेष सुना बतिया रानी, जिसके पास वह ताज रहेगा कबो ओकरे घर में केहू से ओकर पटबे न करी, भाई भाई के लड़ाई होई न पटी। जेकरे पास वो ताज रही वो व्यर्थ का परेशान रही। रानी वो ताज के चक्कर में मत पड़ा, चला जो ध्या चलल जा। दोनों पति पत्नी आखिरकार लड़ते झगड़ते यार कई कई और राजा दशरथ अयोध्या की ओर चलल हो, लेकिन भयल का तनी विदेशिया लगाओ बाबा। कह के ही बात सुनी अवध भूप मन में गुनी, कुछ दिन बाद आखिर आइल उ समैया, राम जई है बन मान सोचल नयना भारी, लख समझावे लेकिन मन नालू गैया। धीरे धीरे उस समय आवत है बाबू, देखे पति पत्नी लड़ लगल, अरे भाई आखी गड़ लगल, भरत से द्वेष राख लगे लखन भैया, बनवा में राम गैल दशरथ का प्राण गैल, वहर रावण बाली साथे कैल घाती। गौर करेंगे बाबूजी, इधर राजा दशरथ को पता था, चूंकि मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, हम भी राह हुआ गैला जौन से भैया हम क्लियर रहिला। राजा दशरथ जानत रहलन
ई ताज हमरे अलावा कोई के लगे और सूट न करी। ई ताज सिर्फ और सिर्फ जेकरे हमरे पास रही तो सूट करी, हमरे लगे से चल जाई तबो हमें दुख, और जेकरे लगे जाई वहू के दुख। राजा दशरथ इस बात को जानते थे लेकिन कैकेयी नहीं जानती थी। अब कैकेयी के क्लियर कर देना राजा, उधर बाली ताज लेकर के अपने किष्किंधापुर में राज करत है। वहां तो जो हुआ तो उसको हम बाद में चलेंगे, लेकिन पहले अयोध्या में आवा। जब कैकेयी राजा दशरथ अयोध्या में अलन लोग, यार कुछ है दिन के बाद अयोध्या का नजारे बदल गए, क्योंकि ताज अब नहीं है। ताज किसके लिए बना था? वो ताज सिर्फ और सिर्फ राजा दशरथ के लिए बना था। वार तो बाली लेके दुखी है, यार राजा दे के दुखी है, वहां यार विभिन्न हो गए। अयोध्या में पति पत्नी में लड़ाई हो लगल, भाई भाई में लड़ाई हो लगल, माई बेटा में लड़ाई हो लगल, बाप बेटा में लड़ाई हो लगल। तब यहाँ एक लाइन तर्ज बदला थी बाबा, कवन तर्ज है आवा था? यह गीत हो कौनो दुल्हिन कहत है बाबा, रोई मरब ये राजा, रोई मरब ये राजा, जई बजो पूर्व के दशमा, रोई मरब ये से बंगली नीला, वही पूर्व क्या बात है, बहुत अच्छे जिया बहादुर। जहां दुआ चलाई मतिया मारी ली गये करेजा, जहां दुआ चलाई मतिया मारी ली गये राजा, जही बाजो पूर्व के दशा, बवाल ओहार शुरू है। भयल का लाता बाली के लगे जब ताज गयल, वहां भी भाई भाई में लड़ाई शुरू हुई। अब वहां से भी ताज पहुंचा है, ले हला चोराय दासा कंधर वो मुकुट, झगड़ा शुरू भैली बाली घर में रंग रूटा बाके, झगड़ा शुरू भैली बाली घर में रंग रूटा बाके, ले हला चोराय दासा गंधर्व मुकुट बाके, मुकुट हटा था बाबू। वहां भी दुर्दिन शुरू हो गया। आवा हाय हाय पत्नी तारा माना करे माने नहीं बातिया हो, पत्नी तारा माना के
सर से वह ताज हटा दशरथ दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन वही ताज जब बाली के पास गया तो बाली भी मारा गया। अब वही ताज जब दशकंधर के पास पहुंचा है, अब देखा भैल का पापट के अंदर भाव है। आवा हाथ जोड़कर कहे बाली, बातला मानी रघुबरी ज्ञानी हो। अब बेटवा यंगद रखिया तोहरो पानी बरबर ज्ञानी हो। जब अंगद बल साली हो, नहीं उठा है पैर किसी से, सभा हो गई लिखाली हो। देख दुर्दशा खुद उठला अभिमानी रघुबर ज्ञानी हो। अब मुकुट झपट अंगद कैला बेपानी रघुबर ज्ञानी हो। दशकंधर, अब दशकंधर से जब अंगद पहुंचल हुवन, बाली मरते मरते कह चुका था भगवान राम से कि अभी है अंगद आपका पानी रखिए भगवान, अब तो हमें दुनिया से जा थैला। भाई अंगद जो जा करके भरे दरबार में राजा रावण के वो बीच सभा में पैर गड़ा के खड़ा बलल, कोई माई का लाल डिगावे वाला ना रहल। अब वह ताज जब लंका में है तो लंका का विनाश शुरू कैलेस, लंका का विनाश शुरू कैलेस वही ताज बाबू जी। बारे होनी मैंने पहले ही बताया, वह ताज सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के लिए बना था। गौर करिहन, अब यही से हमरे आल्हा में भाव कवि जी लिखत हुन, का लिखलन आवा। तब कहे के पड़ल, अरे होनी हो नहारी नाही टारले टराले बाबू, होनी हो नहारी नाही टारले टराले बाबू। चाहे के उसके तनो तू बारा भरिया, संहारे बाबू इंद्र के संहारे, आज वही हो नहारी देखिए दुनिया में, जवन होए के लिखल है विधना की घरे से वो हो के रही पंचो। तब कवि जी लिखत हुवन का, खाली मुकुटा भइले दशरथ मरइले पंचो, खाली मुकुटा भइले दशरथ हो अगा।
बिन खाली जब भैल पर रवनवा भैया ताज बिन खाली जब भैल पर रवनवा भैया लंका की नगरिया हो दिल बर्बाद के लड़ैया आइले रघुबर अवध में भैया जीत के लड़ैया आइले रघुबर अवध में भैया राजपाट बमला ताजी रखले सर पे साथी गौर करेंगे बाबूजी वही ताज जब बाली से लेकर के गए राजा दशकंदर चोरा करके ले गई लंका का विनाश भल यार किसकिंदापुरी का विनाश भल राजा दशरथ के सर से हटल राजा दशरथ मर गई लन। अब वह ताज देखा घुमत यार रावण जब मारल गई लन वही ताज का देन रहल जब मारल गई लन राम विजय प्राप्त करके लंका से जब चलना तो ताज लेके चल अयोध्या में गई यही तो कह के ही नहीं चाहती थी यही नहीं चाहती थी कह के ही क्योंकि वह ताज सिर्फ और सिर्फ राजा दशरथ के लिए था चाहे वो राम के सर पर जाए चाहे रावण के सर पर जाए विनाश निश्चित है कहे कि पड़ल आखिरी लाइन में भैल का आवा कैला पत्नी से विवाद राज जान दुनिया सीता जंगल में छोड़ी प्रसव की जुनिया करे चलती जौने सीता के जंगल जंगल खोजल भगवान राम जब अयोध्या के राजा नारनाथ तजवा ना पहिरले रहलन आखिरकार जवन राम सीता खातिर दर दर का ठोकर खेले जंगल में भटकलन वह ताज पौते राजा बनते वही सीता के जंगल में छोड़त हुआ ये सब ताज का किया धरा था इसलिए मैंने कहा आवा भैल का अरे बिना ताज बनी बनी खोजल सुगारी गारी हो पौता ताज दिहला वन के राज से निसारी हो रखला वाल्मीकि वन में अपने पास गुनिया सीता जंगल में छोड़ी प्रसव की झुन गईली जब दूरी हो पूरा परिवार दुख सांग मजबूरी हो तजला अपना प्राण कूद के उस के पनिया से जंगल में छोड़ा अली पासाओ की उसी सीता का भगवान राम ने त्याग कर दिया ताज पाते ही तुम्हारा राम कभी दोष ना रहल बाबूजी वो ताज फिर बतावत हिला वो ताज सिर्फ और सिर्फ राजा दशरथ खातिन बनल रहल राजा दशरथ के अलावा कोई के लगे सूट ना कैलस जहां गयल वहां विनाश कैलस जहां गयल वहां नरसंहार कैलस चाहे किसकिंधापुरी हो लंका हो चाहे अयोध्या हो ताज छोड़ले राजा तबो मर गई ना अजय ताज लेहलस उहो मर गया ए लिए
कहल गल कि मौत का ताज, बिरहा का शीर्षक मिलल आप लोगन के मौत का ताज। कहानी यही खत्म होती है खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, तऊ हो महाराज अपना ताज दे।